हूँ आपके साथ दीक्षा खानपे। पंजाब के कांग्रेस विधायक अमरिंदर सिंह राजवड़िंग ने बेतुका बयान दिया है। अपने उठपटांग बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले पंजाब के गिदड़बाहा से विधायक और ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजवड़िंग ने एक और बेतुका बयान दिया है। फरोदकोट लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद सादिक के चुनाव प्रचार के दौरान वडिंग ने एक जनसभा के दौरान कहा कि अकाली दल ने शमशान घाटों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंजाब सरकार शमशान घाटों की साथ सज्जा पर लाखों खर्च करेगी। वडिंग ने कहा कि प्रदेश में इस तरह के शमशान घाट बना दिए जाएंगे कि 80 साल के बुजुर्गों का मन करेगा कि वो जल्द ही मर जाएं और शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, ये अपना शमशान घाट देखा अपने घाट, तो अब मैं बनाऊंगा, भले ही मेरे 10 लाख रुपए लग जाएं, लेकिन मैंने चीज ऐसी टॉप की बनानी है कि शमशान घाट देखकर ये जो 80 साल के बुजुर्ग घूमते फिर रहे हैं उनका मन करेगा कि वो मर जाएं और उनका उस शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार किया जाए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.